जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। बहुत से लोगों को लोहबान और गूगल के बीच का अंतर मालूम नहीं होता और वो इन दोनों को एक ही चीज मानकर समान भाव से इनका प्रयोग अपने घर में करते हैं। लोहबान और गूगल दोनों एकदम अलग अलग हैं और इनके बीच का अंतर और इनका रहस्य जानने के बाद आप 100 बार सोचेंगे घर में इनका प्रयोग करने के पहले। पैसे कमाने के लिए कुछ धूप बत्ती बनाने वाले ब्रांड्स भी गूगल और लोहबान को एक ही तरह से पैकेज करके बेचते हैं, इसीलिए आम जनता में इनके बीच कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य इसी भ्रांति को दूर करना है। ना सिर्फ ये अलग अलग हैं, बल्कि इनके परिणाम कितने विस्फोटक हैं, ये भी जान लीजिए आज। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिर असली रहस्य की ओर चलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर धार्मिक व्यक्ति को पता ही होनी चाहिए। लोबान या लोहबान एक प्रकार के पेड़ की गोंद से बनाया जाता है। ये पेड़ मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर जैसे छोटे बड़े फार ईस्ट एशियन देशों में पाया जाता है। खाड़ी और अफ्रीकन देश जैसे कि ओमान, येमेन, सोमालिया, इथोपिया की रेगिस्तानों में भी ये वृक्ष पाया जाता है। ग्रीक भाषा में लिखी गई बाइबल में इसे लिबिनोस कहा गया है। लेबनान देश के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस देश का नाम इसी ग्रीक भाषा के शब्द लिबिनोस से आया है। इंग्लिश में इसे फ्रैंकिंसेंस कहते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों और लिपियों में इसे श्याम धूप कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आप थोड़ा सोच कर दें। लोबान का प्रयोग आपने आज तक किन किन स्थानों पर होते हुए देखा है? दिमाग पे जरा जोर डालें और बताएं। लोबान का प्रयोग अधिकतर मजारों, दरगाहों, पीरों फकीरों की बैठकों में सबसे ज्यादा होता है। मुस्लिम झाड़ फूक करने वाले और मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में धूनी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोबान का ही प्रयोग करते हैं। अगर इस बात पर आपने आज तक गौर नहीं किया तो अब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ तामसिक तंत्रों में, शमशानी क्रियाओं में और इसी श्रेणी की दूसरी गुप्त साधनाओं में भी लोहबान या लोबान का प्रयोग किया जाता है। ये सब गुप्त साधनाएं हैं और जाहिर है सामान्य व्यक्ति इन्हें कभी देख ही नहीं पाता। मंदिरों में हालांकि लोबान की धुनी होती आपको कभी नहीं दिखेगी। मंदिरों के अलावा धार्मिक आयोजनों जैसे कि भागवत, कीर्तन, कथा, सत्संग में भी लोबान का प्रयोग नहीं होता। हवन, यज्ञ, आरतियों में भी लोबान की धुनी नहीं मिलेगी। तो कारण क्या है, क्यों मंगल कार्यों में लोबान का प्रयोग नहीं होता? हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख जो मिलता है वो तामसिक शक्तियों को आकर्षित और उनका आह्वान करने वाली श्याम धूप या श्याम गंध के रूप में, मृत आत्माओं, प्रेतों और पिशाचों का आह्वान करने वाली तामसिक साधनाओं में श्याम धूप का विशेष महत्व है। शमशान में बैठा तांत्रिक स्वाभाविक रूप से सात्विक देवताओं को तो याद नहीं कर रहा होगा, उसे अपनी तामसिक सिद्धियों के लिए मृत आत्माओं, प्रेतों, पिशाचों की आवश्यकता होती है जिनसे वो अपना काम करवाता है। जैसा मुंड माला तंत्र में वर्णित है, शमशान भूमि में उपस्थित दैवीय शक्तियों जैसे भैरव, चंडिका और उनके गणों को भी श्याम धूप से ही आकर्षित करने का विधान है। मुस्लिम शक्तियों को मानने वाले भी सोचकर और निष्पक्ष होकर बताएं कि क्या पीर फकीर मृत आत्माएं नहीं है? क्या दरगाह एक कब्र नहीं है? इन्हीं कब्रों में लेटी लाशों का आह्वान लोबान जलाकर किया जाता है। इन कब्रों के आसपास जिन, प्रेत, खबीस, सैयदी होते हैं जो लोबान की धुनी से प्रसन्न और पुष्ट होते हैं। जिस गन से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हों, उसे घर में कभी नहीं जलाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई शुद्ध शाकाहारी सात्विक व्यक्ति आपके घर में अतिथि के रूप में आता है और आप उसके स्वागत में मांस मछली पकाकर उसे परोसते हैं, तो क्या होगा? भोजन तो छोड़िए, पानी तक ग्रहण नहीं करेगा वो आपके घर का और तुरंत वहां से चला जाएगा। और यही नहीं, अगली बार आपके घर आने से पहले भी वो 10 बार सोचेगा। वहीं दूसरी ओर जो मांस मछली के शौकीन होते हैं वो ऐसे घरों में बार बार आने का बहाना ढूंढ ही लेंगे। ठीक उसी प्रकार सभी सकारात्मक शक्तियां लोबान की गंध से वो स्थान छोड़कर चली जाएंगी और जिन, प्रेत, मृत आत्माएं जिन्हें एक सुगंध पसंद है वो बार बार आपके द्वार आने का बहाना ढूंढेंगी। तो यही कारण है कि मंदिर और धार्मिक स्थानों पर लोबान का प्रयोग नहीं होता। गूगल वही दूसरी ओर विशुद्ध भारतीय है। इसका उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में देव धूप के नाम से मिलता है। लक्ष्मी के आकर्षण के लिए गूगल घी के साथ हवन में मिलाया जाता है।
माँ बगलामुखी के वशीकरण वाले शावर मंत्रों के हवन में भारी मात्रा में गुगल या देव धूप का प्रयोग होता है, क्योंकि ये देवताओं और मनुष्यों का समान रूप से आकर्षण करता है। गुगल, कपूर, लौंग, शुद्ध घी और गौ माता के गोबर से बने उपलों पर जब आप एक सामान्य सा हवन या मात्र धूनी भी करते हैं तो बुरी एनर्जीज बाहर भागती हैं और घर में देवताओं का आगमन होता है। गुगल की गंध से मृत आत्माएं, प्रेत, जिन चिड़चिड़ाते हैं और उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं। इसीलिए हर धार्मिक कार्यक्रम में गुगल की आहुति अवश्य होती है। हमारे शास्त्र और ग्रंथ हजारों वर्षों पहले जीवन के हर मोड़, हर पड़ाव पर मार्गदर्शन देने के लिए ही लिखे गए थे। ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम ऐसा अतुल्य ज्ञान छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो लोबान का प्रयोग ना करें और ये वीडियो अपने मित्रों और परिवार में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें इस रहस्य से अवगत कराया जा सके। मिलते जुलते नामों या भ्रांतियां फैलाने वाले ब्रांड्स का बहिष्कार करें और जहां से पूजन का सामान मिलता हो वहीं से शुद्ध गुगल खरीद के उसका घर में प्रयोग करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।